नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। किसानों को लेकर तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर किसान को लेकर यह बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस को ट्रैक्टर रैली का रूट सौंपेंगे किसान, पुलिस को रूट का इंतजार है। किसान बोले, परमिशन मिले या नहीं, आउटर रिंग रोड पर होगी ट्रैक्टर परेड। किसानों ने यह बात साफ कर दी है कि परमिशन मिलती है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आउटर रिंग रोड पर यहां पर हम अपनी ट्रैक्टर परेड बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस को ट्रैक्टर रैली का रूट सौंपने वाले हैं किसान। दिल्ली पुलिस को यह बताया जाएगा कि ट्रैक्टर रैली जो निकाली जा रही है वो कहां पर निकाली जा रही है। उसके लिए रूट सौंपने की बात यहां पर किसानों की तरफ से कह दी गई है। पुलिस को रूट का इंतजार है, क्योंकि यहां पर 26 जनवरी को रूट निकालने की बात है, आज 24 तारीख हो चुकी है। ऐसे में किसान ने साफ ये चीज बोली है कि परमिशन मिलती है दिल्ली पुलिस से या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी ट्रैक्टर रैली को हर संभव कीमत पर निकालेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज ऑल इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है पुलिस को, लेकिन ये बात भी किसानों ने साफ कर दी है कि परमिशन मिलती है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड की जाएगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस अभी इंतजार कर रही है, क्योंकि आज वो तारीख है जब किसान अपनी ट्रैक्टर रैली का जो रूट चुना गया है उनके द्वारा उसको दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। दिल्ली एनसीआर में चल रहे किसान आंदोलन 2 महीने पूरे करने जा रहा है। पिछले 26 नवंबर से किसान अपनी ट्रैक्टर परेड को निकाल सकते हैं। पंजाब किसान संघर्ष कमेटी के नेता सतनाम सिंह ने कहा है कि कई गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए वो दिल्ली आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे ही, दिल्ली पुलिस इसके लिए अनुमति दे या नहीं। दरअसल किसानों के साथ आंदोलन में शामिल योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान परेड होगी और इसके लिए फाइनल रूट जल्द ही मीडिया को बता दिया जाएगा। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि गणतंत्र दिवस को हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी दिल्ली पुलिस से रैली के रूट को लेकर बात भी हुई है। योगेंद्र यादव ने कहा कि रैली के दौरान किसान दिल्ली में नहीं रुकेंगे, बल्कि जहां से रैली शुरू हुई है वहीं पर वापस आ जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान परेड के दिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान 25,000 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। इस ट्रैक्टर रैली में राजनीतिक पार्टियों को आने की इजाजत नहीं होगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि गणतंत्र दिवस कल के लिए इतना ही, बने रहिए विजुअल इंडिया के साथ। नमस्कार।